हेलो बिल्डर का फिर दो मैं चंस होटल पर आप दोनों फिर के लिए जाए मैं करवीना। तो गाइस सबसे पहली चीज हमारी न्यू प्रिंसेस से मिलो, ये है हमारी भाई असामी। यही नहीं अभी और सुनिए, मैंने खेल खेल के इसका लेवल बढ़ा दिया। फाइनली गाइस इसका लेवल बढ़ाने में मेरी हालत खराब हो गई, मैंने पता नहीं कितने मैचेस खेले इसको लेके। बट अब तुमने सोच रहे भाई तूने बीम डैमेज का यहाँ क्यों लगाया है, भाई कई बार लगाना पड़ता है, समझो यार कई बार लगाना पड़ता है। एंड इसने लिटरली भाई ज्यादा पावर बढ़ाई। एंड मैं तुम लोगों को एक चीज एडवाइस देने वाला हूँ जो कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम मानो या ना मानो, प्लीज इसका यूज मत करो। लाइक इसका एबिलिटी ड्यूरेशन का अगर तुम्हें करना भी है ना तो इसका यूज सिर्फ करो जेफर पे। मैं सच बता रहा हूँ ये वर्थलेस है भाई बाकी किसी भी मैक पे सिवाय जेफर पे। जेफर पे एक्चुअली सेकंड बढ़ाता भी है बट बाकी मैक्स पे घटिया काम करता है। तो प्लीज़ मेरी बात मानो और इसको जेफर पे यूज़ करो। और तुम कहो क्यों भाई तूने टेस्ट किया कि हाँ मैंने टेस्ट किया, मेरे स्टॉकर पे मेरा जो जी लॉक है इस पे ये सालों से लग रखा था। तो मैं सोचता था कि यार एक बार जरा देखूँ तो सही कि कितनी ज़्यादा सेकेंड बढ़ा रहा है। तो मेरे स्टॉकर की एबिलिटी ऐसे नॉर्मली रहेगी, 9 सेकेंड तक चलती रहेगी। बट इस इम्प्लांट के होते हुए जबकि वो 4 लेवल का था, मेरी बताए एबिलिटी कब तक रहेगी, सोचो कितनी, पूरे के पूरे 10 सेकंड। 1 सेकंड बढ़ाया इसने पूरे 4 लेवल तक अपग्रेड, या फिर बाय चांस 2-3 सेकंड या एंड अपग्रेड मारने का इसको मैक्स करने का मन करा। लिटरली इसको मैक्स करने में तो उतनी हालत ख़राब नहीं हुई। तो या गाइस मैं सर बोलूँगा अपग्रेड मत मारो, तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। एंड गाइस तुम लोग सोचो मेरे फ्यूचर के प्लान्स क्या है, तो मेरा फ्यूचर के प्लान सबसे पहले तो ये है कि आई थिंक हमें फी को भी बाद में बाय करना पड़ेगा बिकॉज हमारी आ चुकी है रॉक स्टार, जिसके लिए मैं भाई पागल हो रखा था पूरे जन्म जन्म। एंड यप हमने 2000 स्कोर बना लिया है गाइस, लेट्स गो। एंड हमारे पास गाइस अभी 3 लाख है, करीब हमें 6-7 लाख चाहिए इसको खोलने के लिए। मैं इसमें सारे क्रेट्स खोल दूंगा एंड इन द एंड मेरा आपका स्कोर कुछ ज़्यादा ही होगा। तो या गाइस तुम्हें इसको भाई लेने, कौन इसे नहीं लेना चाहता यार, मैं लेना चाहता हूँ, मैं इस पायलट के लिए पागल हूँ। या तुम नहीं हो यार, तुम लोग गधे हो। फिर ये पायलट इंडियन बेस्ड है एंड एक्चुअली में बहुत ओपी है बिकॉज देखो सच बताऊँ ये पायलट पता है अभी तक का मेरे को बेस्ट पायलट लगा है, मेरे लिजिटली बेस्ट पायलट। इसका नाम माइना क्यों है, लोटस क्यों नहीं है, आई थिंक लोटस ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये माइना माइना ये कुछ ज़्यादा इंडियन नेम ही लग रहा, इसका नाम रहना चाहिए था यार कनक कृतिका देवनंदा भाविनी। हाँ ये सारी मेरी क्लासमेट्स हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। तो मैं कहने की जरूरत नहीं है कमेंट में, स्नेहा अच्छा वो वीडियोस नहीं देख रहे, मैं खुश हूँ। ओके तो या भाई इसको होना चाहिए भाई, तुम खुद देखो क्लोज डैमेज। तो मैं एक चीज बता दूं, जो लोग कहेंगे ओली क्लोज डैमेज कौन, भैया थोड़ा सा हाई लेवल में आओगे ना तुम्हें ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिलेगा जो क्लोज डैमेज यूज ना करता हो। क्लोज डैमेज वाले भाई पायलट सबसे बेस्ट लगते हैं मुझे, सबसे बेस्ट। ओके क्लोज डैमेज मिसाइल असॉल्ट तो भूल ही जाओ, मिसाइल एंड क्लोज डैमेज और स्नाइपर भी, ये तीनों भाई सबसे ज़्यादा यूज होने वाले पायलट्स हैं बिकॉज ये भाई दमदार है, मज़ा है, कतई मज़ा बांध देते हैं। और तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इसे किस पे लगाने वाला हूँ, तो ऑफकोर्स मैं इसको लगाऊंगा जेबर पे। तुम लोग कहोगे जेबर पे क्यों, तो जेबर पे गाइस मैं जल्दी ही लगाने वाला हूँ AS12। अब तुम कहोगे क्या तू इसको इसमें क्यों नहीं लगाता, तो भाई सिंपल बात यह है, देखो जेफर बहुत क्लोजली जाके लोगों को मारता है, लाइक उसकी 30 मीटर की EMP है। एंड जो तुम अगर ये वेपन देखोगे, अरे हटना भाई मेरा रिकॉर्ड है, तो AS12 की पता है रेंज बहुत कम है, लाइक 10 से बहुत कम है। एंड वहीं पे अगर मैं इस पे यूज़ करूँ स्टॉकर पे तो ये बहुत अच्छी काम करती है बिकॉज स्टॉकर पे प्रेडेटरी मतलब ड्राइव इसकी पावर, जिससे डैमेज बढ़ जाता है। बट जेफर के पास ऐसे कोई नहीं है तो वो डैमेज नहीं बढ़ा पाता, तो या इसके लिए AS12 चाहिए बिकॉज AS12 की रेंज भी ज़्यादा नहीं है। ये अलग है कि मेरे को रेंज का इम्प्लांट मिल गया तो इसकी रेंज भी ज़्यादा नहीं है, साथ ही डैमेज ज़्यादा देगी, तो या ये इस पे करेगी। तो मैं इसको जल्दी कोशिश कर रहा हूँ यार कि इसे 6 स्टार का करूँ, मुझे इसके डबल कॉपी मिले, बट उससे पहले मैं इसको अपग्रेड मारूंगा ताकि ये भी हो जाए मतलब उससे मैक्स, ताकि या मैं इस पर यूज़ कर सकूँ। यस गाइस और क्या करूँगा मैं, एंड साथ ही साथ मेरा जो एक और मोटिव है जिस गन को मैं अपग्रेड मारना चाहता हूँ वो है हमारी मिशाइल 12 बिकॉज मुझे ये डबल साइडेड चाहिए इस पे लगाने के लिए। अब तुम क्यों, तो इसको देखो मैंने पूरा मेजर अपना बना मिसाइल डैमेज से भर रखा है, मिसाइल डैमेज रेडियस, मिसाइल डैमेज,
मिसाइल लाइक रिलोड, एबिलिटी डैमेज, तो यार मुझे इसके लिए चाहिए, मुझे ऑफकोर्स इसके लिए चाहिए, मेरे को बुरी तरीके से इसके लिए चाहिए, तो यार मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, तो यार मुझे ये चाहिए। और हाँ, मेरे पास दो ही लेजेंडरी इम्प्लांट्स है, तो यार मैं गरीब हूँ नहीं मिलती मुझे, अभी भी इसने मिला। एंड गाइस, मैं लेने वाला हूँ, तुम लोगों का नहीं पता, बट मैं लिजिटली तुम्हें एडवाइस करूंगा कि ये ले लो यार, तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम लोग अपनी पूरी जान लगा दो, बिकॉज सबसे ज्यादा जो इसमें पता है फायदेमंद क्या है, ये इवेंट, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा भाई पॉइंट्स इकट्ठा करने में। और उसके अंदर है कि क्रेट्स भी खोलो और एकॉइंस गैदर कर, देखो अगर तुम्हें 1000 एकॉइंस मिले तो तुम्हारे 1000 का प्लस होगा, लिजिटली 1000 स्कोर मिलेगा, बिकॉज 200 एकॉइंस को 200 स्कोर मिल रहे हैं, हुर्रे, तो जाके टूर्नामेंट जीतो। हाँ बस मेरे स्कोर को मत देखो, पता नहीं आज मैंने गलती से ना टूर्नामेंट में वो कर दिया था रजिस्टर, उसके बाद मेरे को खेलने का टाइम नहीं मिला, बिकॉज मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, 82%। इस वीडियो को यही एंड करते हैं यार, ये हमारी न्यू पायलट जो कि बेस्ट पायलट, एंड गाइज मैं इसको लूंगा, एंड जब मुझे मिल जाएगी तो हमारे हैंगर में होंगे 3 लेजेंडरी, ये काश हमें स्टेफनी और हेलमेट भी ऐसे ही मिल जाए, देन मैं उसको भी लगाऊंगा, देन मेरा पूरा हैंगर लेजेंडरी होगा, ओके। तो गाइस वीडियो को यही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई एम सी यू इन द शो, टेक केयर एंड गुड बाय, आई लव यू गाइस। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.